हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ईशा देओल इन दिनों अपने डायवोर्स की वजह से काफी सुर्खियों में हैं, तो इसी बीच में ईशा के कुछ दिलचस्प किस्से भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ईशा देओल जो कि भरत तख्तानी के साथ डायवोर्स को लेकर सुर्खियों में है, देओल परिवार इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ईशा अपने पति भरत तख्तानी से अलग होना चाहती है, हालांकि दोनों ने अभी तक इस पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। वही ईशा की बात करें तो ईशा को बॉलीवुड की सबसे अग्रेसिव एक्ट्रेस में से एक देखा जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ईशा देओल का केवल जो मसला था वो अमृता राव के साथ ही नहीं था, बल्कि अमीषा पटेल और उनकी बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर से भी उनका जो विवाद है वो सबसे ज़्यादा गहरा है। करीना कपूर एक वक्त को ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन इन दोनों में क्या कुछ खटास आई और क्यों अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हमेशा से ही राज कपूर के परिवार के करीब रहे हैं। राज कपूर की नातिन करीना कपूर ईशा देओल की बेस्ट फ्रेंड रही हैं। बाद में दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। ईशा और करीना एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी। मुंबई की एक ही स्कूल में पढ़ने की वजह से दोनों में स्कूल के दिनों से ही दोस्ती काफी अच्छी थी। दोनों ने लगभग साथ में ही इंडस्ट्री में कदम रखा था। करीना कहती थी कि ईशा और मेरी दोस्ती देखकर कई लोगों को इससे जलन होती है, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि ये दोनों सहेलियां एक दूसरे से अलग हो गई। ईशा देओल अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं पहुंची। रिपोर्ट की माने तो ईशा देओल और करीना कपूर के रिश्तों में दरार के पीछे जायद खान और अमृता राव का हाथ था। दरअसल एक जमाने में जायद खान और ईशा देओल काफी ज्यादा करीब थे। करीना का इस रिश्ते से काफी ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा। दोनों के बीच में करीना कपूर के आने का आरोप लगाया और ईशा ने यही वजह थी कि करीना से दोस्ती तोड़ दी। ईशा को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि जायद खान और उनके बीच में करीना बार बार आ रही हैं। इस वजह से दोनों के बीच में खटास आ गई। करीना और अमृता के बीच भी दोस्ती काफी अच्छी खासी थी, लेकिन ईशा देओल ने एक बार अमृता को थप्पड़ मार दिया था। ये भी बात करीना को अच्छी नहीं लगी थी। जब रिश्तों में खटास आई तो बहुत ज्यादा ये दूरियां बढ़ी और रिश्ता टूट गया। रिश्ते इतने बिगड़े कि दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा खराब हुई कि दोनों एक दूसरे के शादी तक नहीं पहुंच सके। देखा इस रिपोर्ट में कि कैसे ईशा देओल ने ना केवल अमृता राव के साथ बल्कि बॉलीवुड में कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ जो कंट्रोवर्सी है वो अपनी खड़ी की है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।